वाणी गुरु गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे गुरु वाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे अमृत वाणी हर हर तेरी सोना सुन हुवे परम गत मेर जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जी धन वाहिगुरु साहिब जी सूरत महला पंजवा हम मेले तुम उजड़ करते हम निर्गुण तुम दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कलाम का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडना निको ठाकुर दिशा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडना निको ठाकुर दिशा रहा तुम सब साजे साथ निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान दियो मेहरबाना तुम करो भला हम भलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम रखो अपने बला तुम निधाना अटल सुल्ताना जी जंत सब जाचे कहो नानक हम है हवाला राख संतन के पाछे तुम दाना अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम है हवाला राख संतन के पाशे परम सम्मान योग धन धन शब्द गुरु
श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन हजूरी अंदर कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के लखते जिगर चारे साहिबजादे अते माता गुजर कौर अनेक गुरु के सिखां दी शहादत नूं समर्पित ये तीन दिनों के जो गुरमुख समागम ने पहले दिन के दीवान दियां हाजरियां भरदियां होईयां सतगुरु जी की पावन हजूरी अंदर बैठ के सत्कारयोग भाई साहिब होना पासों आप सारिया ने पावन बाणी का कीर्तन बड़े प्यार दे नाल टिकाव च बैठ के श्रवण किया है। आओ सात संगत निम्रता सहित सनेमर बेनती है जेडे भी अजे सात संगी जन बाहर खड़े ने सेवा कर रहे ने बहुत वधिया गल है, पर जेडे बिना सेवा तो वैसे बाहर खड़े ने अंदर आने की, क्योंकि पंडाल बहुत वड्डा है, अंदर आ के बैठने की कृपालता करिए ताकि असी मन की एकाग्रता दे नाल सतगुरु जी के पावन शब्द की विचार सांझी कर सकी। आओ धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी की रसना तो उच्चारण किए हुए पावन शब्द का आप हमने पाठ किया है, जिसकी आप विचार सांझी करनी है। ये पावन शब्द राग सोरठ अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 613 उपर सुभायमान है। पावन शब्द दियां विचारां आरंभ करन तो पहला जितने भी माई भाई बच्चे बुजुर्ग मेरे नौजवान भरा भैन जितने भी गुरु की गोद में उड़ के बैठी जितों तक भी आवाज आ रही है, आओ एक बार सारी संगत मन की एकाग्रता बनाउंदियां होईयां कलगीधर पातशाह वालों बख्शिश की हुई फतेह की सांझ पाईए। सारी संगत एक बार कहण ते आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सा संगत इस पावन शब्द च गुरदेव ने की फरमाया, की उपदेश दिता है सांझे करन तो पहला विचार आओ सारी संगत मन की एकाग्रता बनाउंदियां होईयां शब्द इन्हां तुकां दा रल के पाठ करिए ताकि साडा मन शब्द दे विचार सुनण वास्ते तैयार हो सके। इस पावन शब्द विच गुरदेव ने रब की दयालता रब की कृपालता परमात्मा का वड्डापन ये गुण परमात्मा के दस के ते नाल जीव का पक्ष भी पेश किया है कि यह जीव किस तरह का है, ये जीवन जीवन की शैली की है। आओ एक बार सारी संगत रल के इन्हां तुकां नूं पढ़िए ताकि साडा मन शब्द दीआं विचारां सुनण वास्ते तैयार हो सके। दोबारा ना कहना पवे, बड़ियां सौखियां तुकां ने, सारी संगत ने रल के हाजरी लगाउणी ताकि असीं बाणी गा के अपने मन नूं टिका सकीए, फिर असीं बाणी दीआं विचारां दी सांझ करांगे। हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा सारे वाह वाह। हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा खंडना हम पापी तुम पाप ख
खंडना हम पापी तुम पाप खंडना हम पापी तुम पाप खंडना नीको ठाकुर देशा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम निर्गुण तू दाता हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाने हम मूर्ख तुम चतुर सियाने सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडना हम पापी तुम पाप खंडना ठाकुर देशा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा इस पावन शब्द विच धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज ने कही है। धन गुरु अर्जन साहब महाराज कहते हैं हे माधो माधो का अर्थ है माया का पति हे माधो माया के पति अकाल पुरख परमात्मा जी साढ़े जीवन का जीवन इस तरह का कि असी पाप करने वाले हाँ ते तुहाडी शख्सियत यह है कि तुसीं उन्हां पापां दा नाश करन वाले हो जिन्नी देर तक सानूं पाप ते पुन दी परिभाषा दा नहीं पता उन्नी देर तक असी अपनी जिंदगी जीवन विच सफल नहीं हो सकते। जिन्ने भी शब्द अज साढ़े समाज विच घूम रहे ने साढ़े समाज के अपने अपने शब्दां दे अपने अपने सारयां ने अर्थ कढ़े ने पर जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का पाठ करते हैं तो गुरदेव ने हर शब्द की परिभाषा अपने तरीके नाल पेश की है। उदाहरण के तौर पर जिवें समाज के भाणा लफ्ज बड़ा प्रचलित है किसी के घर में कोई घटना वरत जाए कोई चढ़ाई कर जाए तो वो घर पिंड के लोग आते हैं ध्यान के एक लफ्ज वरते ने यह मालक का भाणा है चलो वो भाणे च होया जी भाणा तो मनना ही पैना है पर अज तक कभी इंज होया भी तुहाडे किसी रिश्तेदार दे साडे साख संबंधी दे नगर विच किसी दे घर विच पुत्र ने जन्म लिया होवे ते आपां जाके ये कहा होवे कि वेखो जी मालक का भाणा ही है तुहाडे घर बेटे ने जन्म लिया है
नहीं कहोगे ना, बोलो सतसंग जी। सुभाविक तौर पर यह लफ्ज समाज में प्रचलित नहीं होया भी किसी घर किसी जीव ने जन्म लिया हो ते असी जाके कह दईए वेखो ये भी मालक का भाणा ही है। असी जन्म नूं भाणा कदे नहीं कहिंदे, जदों चढ़ाई कर जाए नुकसान हो जाए, दुकान दे विच अग लग जाए, फसल नूं अग लग जाए, भाणा नहीं कहांगे। पर फसल असी कहांगे वेखो तां जे कोई घटना वरत जाए भाणा है, जे साडे घर विच मुनाफा है, कोई कारोबार खोलदा है, नवा बिजनेस आरंभ करदा, कदी किसी ने कहा ये भाणे च ही हो रहे हैं सब। असी भाणा लफ्ज माड़े काम लई वरते हैं, कोई घटना वरत जाए नुकसान हो जाए, असी कहिंदे भाणा ही आउंदा। पर गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने जदों जीव दुनिया च आउंदा ये भी उहदा भाणा ही है। तुसीं समझ ही गए जे कि आनंद साहब की वो कि तुक है, जां तस भाणा पढ़ो जी अगे भला ता जन्मिया, जे उहदा भाणा सी ते जन्म होया परिवार भला। इहदा अर्थ ही होया कि समाज विच जिहड़े शब्द प्रचलित ने जरूरी नहीं उहनूं गुरु ने प्रवान किया होवे, ते जिहड़े असीं लफ्ज प्रचलित नहीं कर सके इहदा अर्थ यह है कि असीं इहदे तक बाणी दी विचार तक पहुँच ही नहीं सके। अज नमस्कारां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं असीं सारिआं ने कीतीआं ने। आपां पिंडां विच वेखीए ते कोई भी जीव ऐसा नहीं बच्चों तो लैके वड्डिआं तक जिन्हां ने अपनी जिंदगी विच गुरु ग्रंथ साहिब नूं सिर ना झुकाया होवे। पर जदों इस सिर विच मत दी गल आउंदी है भी मन्नी किन्नेआं ने, उंगलां ते गिणन वाले ने, सारे मन्नण वालिआं दी कतार विच थोड़ा आउंदे ने। नमस्कार तो पिंड कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब ना किया हो। जे नमस्कार करने के नाल नाल मनण की गल भी आ जाए तो क्या बात है, जो जीवन कैसा हो जाए। गल कर रहे आप पाप ते पुन्न की, साढ़े समाज में पाप की परिभाषा की है भला। जिमें मैं भाणा लफ्ज की गल की भी भाणा असी कहू कहने जो घटना वरत जाए चढ़ाई कर जाए भाणा है, जम्मण भाणा असी कहते नहीं, इदा पाप की परिभाषा की है भला। साडे समाज में पाप की परिभाषा असी जो बनाई वो ये है भी किसी बंदे दे पैर थले कीड़ा आके मर जाए तो सह सुभाई आम कहा जाता, वेखो जी फलाने बंदे को पाप हो गया, जां बंदा अपने आप को पछतावा जिहा रहिंदा कि मेरे को बड़ा वड्डा पाप हो गया, मेरे पैर थले आके जीव मर गया, मेरे को फलाना जीव मर गया। अच्छा जे तो जीव का मर जाना ही पाप है, किसी जीव का मर जाना पाप है, फिर तो दुनिया के सब तो वड्डा पाप किसान करता है। जे तो किसी जीव को मार देना पाप है फिर तो किसान वर्गा तो पापी कोई नहीं। तुहाडी कणक नूं तेला पै जाए, किसानी किते वाले तुसीं सारे बैठे हो, पता लग जाए कि साडी फसल विच तेला पै गया तो भला आपां की करदे आ जी, दसो जी। उस वेले आपां बाजार नूं भजदे आ, जिहड़े कीटनाशक दवाइयां ने उस दुकान ते जांदे आ, उहनूं कहिंदे भाई तेले नूं मारन वाली दवाई चाहीदी है। आपां कदे तेले नूं हुण आपां जे इह सोचिआ भी जदों मैं स्प्रे करनी तेला मर जाणा, जे ये चीज़ वेंदे रहे तो तुहाडे घर चार दाने नहीं आने। जिहड़ा झाड़ तुसीं 20-25 क्विंटल चाहुंदे हो सकदा 10 क्विंटल भी ना टप्पे, होदा जिन्ना बीज पाया वह भी तुहाडे घर ना आवे। ये चीज किसान अपने खेतों में घूम रहे है, वटे वट जा रहे, उन्हूं शक पिया कि चार तीले तुके हुए ने, उन्हें हाथ नाल वेखे तो उन्हूं शक की पिया, उन्हूं यकीन आ गया भी ये चूहे की सारी खेड है, चूहा साड़ी फसल में आन वड़े। की करेगा किसान भला जी, चूहे विच भी जान है, वो चूहे नूं मारन वाला पाप करेगा कि नहीं करेगा। बोलो सतसंग जी, मैं कल्ले कथा नहीं करनी, तुहानूं नाल नाल करनी पैनी है, क्योंकि नाल नाल हलूणा देवांगे तो पता लगे जागदे हैं कि सुखना दुपहर का टाइम है, पता लगे भी अंदर गल जा रही है कि नहीं जा रही। मैं पहला बेनती की साडे समाज के लफ्ज की अपनी अपनी व्याख्या की हर एक बंदे ने, तो जिन्ना असी अज साडे समाज ज्ञान घूम रहे हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का ज्ञान 1% भी नहीं, 99% ज्ञान असी दूजिया का चुकी फिरते हैं जिहदे नाल बाणी का कोई वाह वास्ता नहीं। जे पैर थले कीड़ा आके मर जाण नूं पाप कहांगे फिर तो बाणी का वचन पढ़ो, गोहे अते लकड़ी अंदर
कीड़ा होए। जदों गोए नूं पथिया जांदा है उहदे विच कीड़े भी नाल ही चल पैंदे ने। लकड़ दे विच भी कीड़ा हुंदा, घुण जिहड़ी है जिहड़ी लकड़ नूं घुण लग जांदा, इहदा अर्थ अंदर कीड़ा ही है, तां ही अंदरों लकड़ खोखल हो गई। उहनूं मारन वास्ते अजकल दवाइयां लग पईआं ने, अजकल चकाट लाउणी होवे दरवाजे लाउणे होण ते पहला अगला घुण दा प्रबंध करदा वी दरवाजा इहनूं छेक ही ना किते खा जाए। कदी सोच के वेखो कुछ चीज़ां ऐसियां सन जिहड़ियां असीं, ये जैन मत का प्रभाव से साढ़े मत मन में। तुम वेख्या जैनियां कदी आ, हुण तां वैसे बहुत घट गए ने, पंजाब विच तां लभदे नहीं। जैनी लोग मूँह ते कपड़ा रखते हैं, जदों तुरदे सन सूत का झाड़ू लैके तुरदे सन, पैर थले कीड़ा आके जे मर जाए तो इसनों बड़ा वड्डा पाखाना अपना, वो अपना पाखाना भी फोल देंदे सन। कई कई दिन नहाते नहीं सी, वो कहिंदे सी नहावांगे पानी विच जीव हुंदे ने, जीव मर जाणगे सानू पाप लग जाऊ, वो अपना पाखाना भी फोल देंदे सन। वह मूँह ते कपड़ा इस करके बांधते सन कि जे असी मूँह नंगा रखिया मूँह विचों भी किरम बाहर निकलने ने, जदों बाहर निकल गए उन्हां दी मौत हो जानी है। हुण अंदाजा लाओ साध संगत, दो मिनट सोच के वेखियो, जिन्हां साहिबजादियां दे अज याद भी जुड़ के बैठे हो ना, इत्थों तक पहुँचण वास्ते इत्थों की तैयारी वास्ते गुरु साहब ने अंदर की कायरता नूं हूंज के बाहर किवें कढ़िया, यह वेखण की लोड़ है। जैन मत का प्रभाव इस देश से, जिहड़ा बंदा अपने पैर थले कीड़ा आउण तों वी घबराउंदा है कि जे कीड़ा आ गया तो मैं पापी हो गया, अंदाजा लाओ जदों दे घर कोई बाहरों हमलावर हमला करके उहदी धी उहदी भैण उहदे परिवार की किसी औरत नूं चुक के खड़ेगा कि वह दुश्मन के सिर से डांग मारन की युरत कर पाएगा, उहने कहणा जे डांग वजी तो खून निकल आउणा, खून निकलिया तो मैनूं पाप लगजू, वह तो हथ बन के डोला तोड़ देगा, वह कहेगा मैं दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। गुरु ने इस अंदर की कायरता हूंज के बाहर कढ़िया। कभी सोच के देखो सिर झुकदा महाराज के चरणों में। इतने के पुजारी ने तो यही कहा कि तुहाडी किस्मत ही लिखी है गुलामी, बाहरों आए हमलावर ने जे तुहानू मारिया कुटिया है तो गुलामी तुहाडी किस्मत लिख दिती है, रब वालों ही लिखी गई है। गुरु ने आख्या परमात्मा वालों नहीं लिखी हुई, ये साड़ी अपनी नलायकी है, इसनों आप हूंज के बाहर कर सकते हैं। गुरु साहब ने गफलत की नींद विचों जगाया लोगों में, ये जो पाप पुण की परिभाषा बनी सी भी आह चीज़ कीतियां पाप हुंदा है, आह चीज़ कीतियां पुण हुंदा है, इसनों बाहर कढ़िया तो जिंदगी जीण का तरीका सिखाया। सारी सारी दिहाड़ी गुरु साहब ने उन्हां गुरु के सिखां नूं शस्त्रबाजी करनी सिखाई, तीर चलाने सिखाए, होला महला सिद्ध रह गए रंग पाउण जोगे। कभी अपने इतिहास में पढ़ के वेखना होला महला, वो इतिहास इतिहासक दिन है जो गुरु सिखां दीआं दो टुकड़ियां बणाउंदा सी, एक टुकड़ी दूजे टुकड़ी नाल लड़दी सी, जिन्हां जित जाणा उन्हां नूं इनाम देने, उन्हां दी ट्रेनिंग हुंदी सी। जे साहिबजादे इत्थों तक पहुँचने ना पिछे ट्रेनिंग काम करदी है, बड़े बड़ी वड्डी प्रैक्टिस है, बड़ा वड्डा अभ्यास काम कर रहे हैं। तुसीं दो मिनट सो कि जे साहिबजादियां जे बाबा फतेह सिंह दे नाल गुरु पातशाह ने दो गल्लां बातां ना कीतियां हुंदियां कि तुसीं समझदे हो कि वजीर खान दी कचहरी विच काजियां मुलाणे जिन्हां ने कई कई ग्रंथ पढ़े ने उन्हां दे सवालों के जवाब दे सकदे, उन्हां दी तैयारी सी। मारो अपने वल ध्यान, अज कोई साढ़े तो 20 साल का कोई 30 साल का कोई 35-40 साल का सानू कोई गुरु ग्रंथ साहिब बारे 5 सवाल कर दे, अपने अपने जीवन नूं नाल नाल जोड़ना। सानू को गुरु असी जिस गुरु ग्रंथ साहब नूं इन्ने साल मत्थे टेके ने को सानू गुरु ग्रंथ साहब दे विचों 5 सवाल कर दे कि इन्नी तैयारी हैगी कि उन्हां 5 सवालों के जवाब मैं किसी नूं दे सका। जे कोई सानू पुछ लवे भी किन्ने साल हो गए गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदिआं ते मैं कहां जी मैनूं तो सुख ना 30 साल हो गए, जे 50 साल की उम्र है कोई कहेगा मैं 40 साल हो गए ने, कोई कहेगा मैं 15 साल हो गए ने, कोई कहेगा मैं तो जिंदगी लांघी बचपन तो ही मत्था टेकदा आया। अच्छा जिन्होंने मत्था टेकिया उहदे बारे कुछ पता भी है, इस लिखिया की है? गुरु के सिखो जितन सिख ने जिसने नमस्कार की जितन गुरु ग्रंथ साहब चो पढ़ के समझ लिया ना, आ जो सिर है ना सिर ये गुरु ग्रंथ साहब तो सिवाए कितने होर जाके झुकना ही नहीं।
ना ना किसी लैक्चर की जरूरत पैनी है, ना उन्होंने किसी प्रचार की जरूरत पैनी है, उन्होंने अपने आप ही समझाने मैं इनू छड़ के जावां पासे क्यों, इस तो वड्डा डर किहड़ा। जदों बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह दे सामने वो कहिंदे ने इस्लाम कबूल कर लो, साड़ी इन मान लो, तुहाडा पिता हुण इस दुनिया विच नहीं रहा, वो इदां दे कहिंदे होणगे ते साहिबजादे आंदे होणगे मर गए साडे गुरु नूं खत्म करन वाले, क्योंकि गुरु साडा ज्ञान है, गुरु साडा उपदेश है। किड्डी युरत किड्डी काबिलियत होएगी उहनां साहिबजादे अंदर, कभी सोच के वेखो। अल्लाह यार खां जो भी ने बचन लिखे है कहिंदा फौजों पे ने तुरकां नूं मुसलमानां नूं फौजां ते फौजों पे ने उन्हें देवी का मान है, जिहड़े ब्राह्मण सन हिंदू सन उन्हां नूं देवी देवतियां ते बड़ा भरोसा सी, इन्हां नूं अपनियां फौजां ते बाहुबल ते बड़ा मान सी। अल्लाह यार खां जोगी की अपनी का उडारी है जी, जिहड़ा कवि हुंदा उहदी अपनी उडारी हुंदी है, जरूरी थोड़ा उत्थे बैठा सी बाप, वो अपने ख्याल ने, वो ख्यालों में दो किताबा निकलियां, वो सोच विचों शहीदा ने वफा ते गंजे शहीदा दो पुस्तक वो सोच विचों पैदा हुई जो उन्हें महसूस किया लिख दिता। वो कहिंदा उन्होंने साहबजादे ने पूछा तुसी भी कुछ दसो, कहिंदा फौजों पे ने उन्हें देवी का मान है, इन्हों अपन फौजा से माण है, उन्होंने अपन देवी देवत्या माण है। उन्हें पूछा तुहानू का माण है, आते आशिक है हम खुदा के हथेली पे जान है, अभी तो खुदा दे आशिक हाँ, ना सानू किसी फौज से माण है, ना सानू किसी देवी देवते से माण है, सानू सानू तो खुदा से भरोसा है, रब से भरोसा है। यह भरोसा एवें बन गया सासरत कला, यह भरोसा एवें बन गया, यह भरोसा कमाना पैंदा है, यह विश्वास कमा, यह विश्वास नूं कमाउण, यह विश्वास कमाया जाता है, बाजारों नहीं मिलता कि 100-50 रुपये कोई गुरुद्वारे आण के 100 रुपया दे के इतों गल विच सिरो पाओ तां पवा के लै जाएगा, पर प्यारिया 100 रुपया दे के भरोसा नहीं नाल खड़िया जाना, तेनू धार्मिक स्थान तो कुछ सरोपा ते 100 रुपये का दे देगा, नाल प्रसाद दे देगा, पर भरोसा कमाया जाता है, विश्वास कमाया जाता है। गुरु रामदास महाराज के पवित्र बचन गुरुदेव जी पता की कहते हैं पातशाह, बहुत प्यारी गल कहते हैं, अगों दे सत पाओ ना दिचे, मन दे पिछे तुरन वाला बंदा जिन्हें अपने मन नूं अगे रखे है वह गुरु की परवाह नहीं करता, जो उहदा मन कहिंदा उह करदा, इहनूं मनमुख आंदे ने, होर किते मनमुख दा को बाहरला रूप वखरा थोड़ा हुंदा, उहदियां अखां वी उहो जिहियां हुंदियां ने, हथ पैर ते इक्को जिहे हुंदे ने, सिर्फ उहनें अपना मन अगे रखिया हुंदा। बस गुरमुख ते मनमुख दे पुत्रां धीआं दे आनंद कारजां विच्चों पता लग जांदा है, जिथे गुरमत होवे समझ लो इस परिवार ने गुरु नूं मुख रखे है, जिथे मनमत होवे समझ आ जाती इन्हां ने सारिआं ने अपना मन, बोलो जी अगे वो मन दी सुणदे ने, जो मन कहिंदा उह करी जांदे ने। गुरु रामदास महाराज कहिंदे ने अगों दे सत पाओ ना दिचे, अगों दे सत जदों गुरु गल कहिंदा उदों ते गुरु दी गल नूं ध्यान नाल सुणदे नहीं, जदों समां बीत जांदा बाद विच पछताउंदे ने। हुण कल नूं कोई बच्चा घर विच जदों प्यो मत देवे उदों बच्चा ध्यान दे के सुणे ना, जदों काम जाए विगड़ ते बाद विच पछताई जावे, बाद विच पछताया भला किसे काम आउंदा सतसंगत, बोलो सतसंगत जी, जो काम विगड़ जाए बाद विच बंदा पछताई जावे की फायदा, हुण बाद विच पछताया की करूं। अगों दे सत पाओ ना दिचे, पिछों दे आख्या काम ना आवे, पिछों दे आख्या काम नहीं आउंदा, अद विच फिरे मन मुख विचारा, अद विच मन दे पिछे तुरन वाला बंदा चरस्ते च खलोता है, किथे खलोता जी चरस्ते च, ना उधर है ते ना इधर विचकाए खड़ोता है, एक बन्ने हो जा प्यार। वैसे साड़ी बहुत ही कौम चरस्ते च खलोती है, चरस्ते च पता कड़ी खलोती है, जेड़ी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था भी टेक लैंदी है ते वीरवार मड़ी ते दीवा भी जगा आउंदी है, ये केड़ी कैटागरी है जी, भला ढिला जा जवाब दे रहे हैं साध संगत जी, चरस्ते च भी चरस्ते च खलोण दा अर्थ पता की, पता नहीं किधर नूं तुर पैना,
ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਮਨ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੱਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਖਲੋਤਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਮਨ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ, ਗੱਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਸੋ ਕੂੜੀ ਆਵੇ ਕੂੜੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਝੂਠਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਦਾਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਕਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਮੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਲੋਕ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ, ਆ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਦੀ ਰਸਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਲਾਵੇ, ਕੋਟਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਾ ਵਾਧੂ ਦੀ ਰਸਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾਓ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ 200 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਦਾਲ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਮਤਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ 5,000 ਦੇ ਕੇ 5,000 ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਮਤਾ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ
गुरु का वध प्यार प्राप्त कर लिया है। गुरु का प्यार तो साधारण बंदा भी प्राप्त कर सकता है। इतिहास गवाह है सार संगत, इतिहास विचों ऐसिया साखियां मिलदियां ने। जो असी इतिहास पढ़ते हैं ना, गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह प्रचार दौरिया तो जो निकले ने, तो मानसा जिले के एक पिंड आता है समाओ, उस समाओ पिंड के बार बार गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने टिकाणा किया। दूर दूर तो संगत आई दर्शन करने वास्ते। हुण उह दर्शन दा अर्थ नहीं सी गुरु साहब बह जाते दर्शन करके मुड़ जाते, नहीं, गुरु साहब को अपनियां घर दियां मुश्किलां दसदे सी, गुरु साहब पुछदे सी, उन्हां नूं सिधांतक तौर पर क्लीयर करदे सी। सिख संगत नाल जुड़दियां दो गुरु व्यक्ति ऐसे होए जिन्हां ने सब तो वध प्रचार दौरे कीते, एक गुरु नानक साहब, दूसरे धन गुरु तेग बहादुर महाराज। जदों गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह मानसा जिले के समाओ पिंड जाके टिकाणा किया, कुछ साखियां ऐसिया ने जिहड़ियां साढ़े तक पहुँचियां नहीं, कुछ क साखियां उंगलां ते गिण वाली जिहड़ियां साढ़े तक पहुँच गई, जिहड़ियां बार बार दोहराईयां गईयां। उस पिंड दे बार बार गुरु तेग बहादुर महाराज ने टिकाणा किया। तो समाओ पिंड का एक गरीब किसान अपने खेतों में काम कर रहे, ध्यान ना सुनो सात संगत, खून पसीने के नाल कपड़े गड़ोच हुए ने, जिहड़े तांते पाए हुए ने, तो मन में सोचता है वो खेतों तो थोड़ी दूर इकट्ठ होया जिसे गुरु तेग बहादुर महाराज बैठे सन। संगत दूर दूर तो आए तो मन में पता कि सोचता है भी कोई सियासी लीडर आया होना जिहड़ा दूर दूर तो लोग आए ने, मन में सोचता आपां की लेना, आपां तो गरीब बंदे, अपना तो यही काम है। उन्नी देर में पत्नी पिंडों जल पानी लैके आ गई, जो इतिहास में लिखिया मिलता है, सादे फुलके ने, प्याज है नाल, कुछ अचार होएगा, कुछ चटनी कटकुटी होएगी, वो नाल लैके किसान वास्ते खेतों में गई है। पत्नी पुछदा है, कहिंदा भी ये जिहड़ा एडा वड्डा कट्ठ होया अपने खेतों के लागे पिंड के बार बार, ये कादा कट्ठ होया, कोई लीडर लगता आया, कोई सियासी बंदा आया? पत्नी अगे आँदी, नहीं सियासी नहीं, मैं पिंड दियां बीबिया को सुनिया है भी गुरु नानक साहब महाराज जी की गद्दी दे वारस धन गुरु तेग बहादुर महाराज अपने नगर में आए ने, अपने इलाके आए ने। गरीब किसान की कहिंदा, कहिंदा आए होणगे फिर आपां की कर सकते हैं, मैं तो गरीब हाँ, वो एड्डी शख्सियत उच्ची होणगे, एडा उन्हां दा उच्चा रुतबा, आपां भी मिलन जा सकते उन्हां। तो पत्नी अगे कहती, कहती मैं पिंड दियां बीबियां कोलों सुनिया है भी जदों उन्होंने कोई मिल जाता है ना, ये ऐसी शख्सियत ने, ये अमीरी गरीबी नहीं वेखते। सरोपे वाली गल क्लीयर हो जानी है भी ये ऐसी शख्सियत ने, ये अमीरी गरीबी नहीं वेखते, तो प्यार वेखते हैं भी अंदर प्यार किन्ना क, कहिंदा भागा वाली है। फिर चली गया आपां भी दर्शन कर। हुण अगे वो पत्नी कहती है, कहती मैं ये भी सुनिया उन्होंने कोलों, मैं भी सुनिया उन्हें पिंड दियां बीबियां कोलों भी जिहड़ा उन्हां दे दर्शन करन जांदा, विचार सुन जांदा, कुछ ना कुछ लैके जांदा, अपने कोल की है, तुसीं खेतां विच काम कर रहे हो, अपने कोल की है? कहिंदा भागवान ने मैनू लगी है भुख, कोकड़े मेरे लूसन डए ने, आंदरां मेरियां कट्ठियां होईयां ने, मैं अद्धी रात दा उठ के खेतां च आया, इस वक्त भुख लगी है, मैनू प्रशादे की जरूरत है, इस वेले मेरे जिसम नूं, मेरे शरीर नूं रोटी की जरूरत है, इस तो वड्डी कि चीज़ हो सकती? आपां इहो ही प्रशादा, इदां ही अचार, इदां ही चटनी, जो प्रशादे है आपां इदां ही गुरु पातशाह वास्ते लै चलदे हां, की परवाह नहीं करनगे? क्योंकि जो साढ़े को याद रखना सार संगत, जिस बंदे दे कोल कदी नोट करना तुसीं, कोई गरीब बंदा अमीर दे कई वारी घर चला जाए, ये सारियां ते गल्लां टुकदियां नहीं, जिन्हां ते टुकदियां नहीं टुका जरूर लेना, ये टकाउणियां भी जरूर ने, जिन्हां ते टुकदियां ना टुका के जाए जरूर, उदां थोड़ा जाना आपां, जिन्हां ते नहीं टुकदियां जिहड़े चंगे ने उन्हां दे अगे सिर चुकदे। कई वारी गरीब बंदा ना अमीर दे घर जांदा, उहदी कोशिश हुंदी वी परां इहनूं पिछे बिठाईए, सधारण जिहा उहनूं जगह दे देणी बहण लई, उदां उहदे नाल गल्लबात करनी, ज़्यादा उहदी गल वल ध्यान नहीं देना। जदों उहदे बराबर दा आवे कोई लीडर, आवे कोई
फिर उन्हें आदर मान वखरा देना, पर जो सुधारण गरीब जहा बंदा है उन्होंने टरका देना भी कोई मंगनी आया हो ना। पहली गल तो कई बार कह देना भी घर ही है नहीं सरदार जी, जे कि वेख पे निगाह पै गई सरदार जी तो फिर बहना भी इस तरीके भी उदर। तो जे कि अमीर बंदा गरीब के घर चला जाए फिर की करता जी गरीब भला, वो घर में जी सब तो वधिया चादर होंगी इन्हों पता लग जाए भी अमीर बंदा आ रहा। हो सकता अमीर के घर में चादर आम ही हो, पर गरीब बंदे दे घर जो कुछ हैगा वह की करता पत्नी कहता तेन पता फलाने अज साडे घर आ रहे हैं, जिन्ना कुछ हैगा सब तो वधिया बर्तन जिहड़े गरीब के घर होंदे ने उहदे विच चाह पानी परोस के दिंदा है। हुण मैं कहना इस तो वड्डी अमीरी कि जो उहदे कोल हैगा उहने सब कुछ सौंप दिता। तो अमीर 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 बंदा बहुत कीमती चीज़ा छुपा के रखता, वह टरकांदा भी गरीब ही है छड्डो पर आप तू की लैना बई, कहता भागा वाली है मैनू लगी है भुख, मेरे मैनू मैनू प्रशादे की जरूरत है, तो जी जिदी मैनू जरूरत है वह मैं जो गुरु साहब अगर भेट कराँगा। वह तो अंतरजामी ने उन्होंने पता नहीं भी इन प्रशादे की जरूरत है, अद्धी रात उठ के खेतों से आया उन्होंने पता नहीं भला अंतरजामी तो है, इस तो वड्डी जायदाद कैडी मैं ये चीज भेट। कहता चल फिर तुर पे दो पति पत्नी। हूँ सधारण गल सी भी उन्होंने कपड़े वेख के किसी ने अंदर थोड़ा लंघन देना से जिते दरवाजे से पहरेदार खलोता से, पर महाराज की भी तो निगाह पई ना यो सी लोग प्यार जोड़े गुरु साहब के नाल तुर ये काफिला से सार संगत योध ये किसान से जिन्होंने दरा खैबर के राह बंद कर दते, किसान सन जेडे पठाणा भी जिन्होंने मात पा दी, लोग अंदर बह के गुरु साहब अज वो चीज़ा साडे विचों मुक गई। अभी तो गुरुद्वारे भी जातों के आधारित बना लिया, चीज़ा साडे विचों समाप्त हो गई। जो किसान तो उसकी पत्नी दोवें जाने गए ने उन्होंने कपड़े वेख के कौन जान दिता अंदर बई, पर जो गण धन गुरु तेग बहादुर महाराज की निगाह पई उन्होंने कहा इन्हों अंदर आन दो, जैसे महाराज आप बैठे सन दवे हाथ जुड़े ने सधारण जे कोने प्रशादे बधे हुए ने। महाराज नूं आउंदिआं कहिंदे ने महाराज कीती तां लगदा सी गुस्ताखी है, महाराज तुहाडे कोल किन्ने सोहणे सुनखे नौजवान बैठे ने, संगत ने किन्ने किन्ने सोहणे सोहणे वस्त्र पाए ने, गरीब तां खेतां चों आया महाराज सिद्धा ही काम करदे सिद्धा ही तुहाडे कोल आ गया, ते महाराज तुहाडे कोल कोई कीमती तों कीमती वस्तुआं भी लैके आउंदा होएगा, मैनू पता लगा भी तुहाडे दर्शन करन वास्ते तुहाडे विचार सुन वास्ते कुछ ना कुछ लैके आना पैंदा, आ प्रशादे ने महाराज दो जिहड़े पत्नी लैके आई सी। गुरदेव ने अपने हत्थां विचों प्रशादे लए ने, इतिहास विच साखी लिखी मिलदी है भी प्रशादे लैके गुरदेव ने निके निके पीस उस प्रशादे दे करके कहनु संगत विच वरता दे। मानसा जिले का समाओ पिंड, उस पिंड अमीर लोग तो बड़े होंगे उस वक्त भी, पर किसी अमीर का ना नहीं उस किसान के ना ते अज भी उस पिंड गुरुद्वारा बनया होया है, उस किसान के ना ते गरीब किसान अज भी उस उसके ना ते अज भी समाओ पिंड गुरुद्वारा बनया होया है। कि तुसी समझते हो भी उस किसान उस सखी का पता भी ना हो, पता बेचारा की करता से, कभी मड़िया पूजदा होगा कबर पूजदा होगा, पर गुरु का पता लगा जिन्होंने गुरु का प्यार वेखिया गुरु ने जिहड़ी मुहब्बत दित्ती उहनूं गुरु का होकर रह गया, खेतीबाड़ी तो करता होगा पर सारी जिंदगी मन करके गुरु का सिख बन गया। कि यह साखी जे साड्या धार्मिक स्थानों पर बार बार दोहराई जाए कि अज जिहड़ा गरीब बंदा है उन्होंने बेचारे को धार्मिक स्थान पर आने के चीज़ नहीं मिलेगी, वह बेचारा अपने आप को अधूरा ही समझेगा भी मेरे को है ही कुछ नहीं। जिहड़े बंदे धार्मिक स्थान पर आ के अपना नाम लिखवा लेंदे ने, गरीब बंदा तो कभी तुसीं किसी गरीब का रिक्शे चलाने वाले का नाम ही किसी धार्मिक स्थान पर लिखिया लिखाओगे, रिक्शा चलाने वाला बंदा भी कभी किसी धार्मिक स्थान पर अपना नाम लिखा लवे कितों जी, उस को बेचारे को है ही नहीं हैसियत, उसके कोल इन्ने पैसे नहीं कि वह सिल लवा सके उत्थे ना लिखा सके ना, उसके कोल उसकी पहुँच ही नहीं बेचारे की। जिन्नी देर याद रखना इनू आख्या सी नीचा अंदर नीच जात नीची हूं मत नीच नानक तिनके संग साथ वड्डिया स्यों, क्या रीस जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। प्या
ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਪੜਿਆ, ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਏਡਾ ਏਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾ। ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੰਸਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਉ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਅਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੱਜੇ ਮੋੜਨਾ ਖੱਬੇ ਮੋੜਨਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸ ਦੂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਨੇਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਨਕ ਅਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਲਵਾਏ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ ਭਲਾ? ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ, ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੁੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੇਖਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖਾਇਓ, ਸਿੱਧਾ ਸਿਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ, ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਿਖਾਓ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਵਿਖਾਇਓ ਨਾ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਿੱਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸੁਣਾਏਗਾ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਲਾ ਥੱਲੇ ਨੇਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਨੇਜੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਮੁੱਢੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਾਂ ਕੋ ਮਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਭਲਾ? ਮਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਭਲਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਭਰੋਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ
पाप की परिभाषा बाणी की अपनी है। बाणी मुताब पाप की है भला? माड़ा सोचना पाप है। कोई बंदा कहे मैं तो अज तक किसी जीव को नहीं मारिया जी। कई इदा के बंदे वह नहीं होंगे ने कहते जी अज तक आप सप भी नहीं मारिया। उदा खेतों को सप निकल आएगा ना कहते आप नहीं मार देते जी, ना मार दे ना मारन देता। कहते सप मर गया तो पाप लगना है मैनू। कई इदा के बंदे भी है वैसे हूँ रब जाने। वो कहें जी ये जे सप मर गया पाप हो जाना है, पर बाणी कहती है पाप तो कुछ होर है। पाप की है भला? पाप है तुहाडी सोच। नौ सस बारे माड़ा सोचती है, माड़ा सोचती है नौ सस बारे, तो नौ के अंदर पाप है। सस नौ बारे माड़ा सोचती है तो सस अंदर पाप है। सका भरा भरा बारे माड़ा सोच रख, माड़ी सोच रखता है। माड़ी सोच पता किनू कहते? किसी नुकसान करने वाली सोच, किसी का नुकसान करने वाली सोच। मैं इतों इनू डिगना, यह सोच है। हुण यह सोच जिहड़ी है पाप है, तो पाप मन दे तल ते हुंदा है। इहदी कोई सज़ा नहीं है, सिर्फ बंदा मानसिक तौर पर परेशान हुंदा है। अपराध की सज़ा है। जदों जदों नुकसान कर दिता ना, फिर अगले को सबूत होने ने, अगला तैनू फड़ा देना फिर पुलिस नूं, फिर तैनू सज़ा मिल सकती है। मर्द औरत बारे माड़ा सोचे पाप है। उस सोच को प्रैक्टिकल रूप दे दे, अपराध है। अपराध की सज़ा है, बलात्कार की सज़ा है, रेप की सज़ा, माड़ी सोच। इसे भगत रविदास ने आख्या थी, मेरी संगत पोच सोच दिन राती। मेरी संगत माड़िया दी ते सोच दिन रात माड़े, माड़ी सोच। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता। मेरा कर्म है कुटल नीतियां करनी है। चौबी घंटे कई का काम होंगे ना, चौबी घंटे पुठे ही सोची जाना। कई बार इदा के बंदे होंगे ने परिवारों भी पिंड, उन्हों का काम तो पुठे ही सोचो भी कभी चंगी गल ना करो, भी हमेशा पुठी माती दो, पुठे ही सोचो भी जे कि प्यो पुत की लड़ाई हो गई है तो सगों जाके समझौता करा दो, लड़ाई मुक जाए। तो कई का काम इदा होंगे ना, चाह पी आनी अगले घरों, तो चाह पी के जे चाह पीने वाला घरों नहीं निकलिया तो प्यो पुत लड़ पे इधर तो गल करके ना जाते जड़ी छेड़ गया। कई का काम वैसे इदा का होंगे ना, अगले घरों चाह पी लैनी है तो नाले जाते जो कोई ना कोई गल कर जानी है। तो ऐसे बंद बारे समाज में पता ही होंगे भी भाई जिते बंदा वह बह जाए दवाई रब की, बाद चौथे लड़ाई होनी होनी क्योंकि वह काम ही है। हूँ ऐसा बंदा कहे आप पाप कभी नहीं किया प्यार, माड़ी सोच चुकी फिर यह तो पाप है। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म को भांति। राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा मेरी हरो विपत। ये विपता ही है, माड़ी सोच विपता है। मेरी हरो विपत जन करो सुपाई, जन नूं सुपाई दा अर्थ है सोहणी भावना वाला बना दो, सोहनी सोच वाला बना दो। वैसे गुरुद्वारे आण के अरदास पता की करनी चाहिए? अं तो आटा दाला ही मंग के मुड़ जाने, मंगना चाहिए दाता मेरी सोच सही नहीं, मैं सोच सही लैन आया तुहाडे कोलों, मैं अज तक कभी सही सोचिए ही नहीं। जे सही सोचे नहीं तो सोच चंगा करूँगा कितों? पहला तो सोच, जो बंदे की सोच होंगी काम वो करता है। जे सोच ही चंगी नहीं तो काम कितों चंगा करना? इसे नूं पाप आखे। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। असी माड़ी सोच रखने वाला पाप करते हैं, तुसी साड़ी सोच बदल की समर्था रखते। बस आ काम है तुहाडा। हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा। अच्छा पापी बंदे की डेफिनेशन की है? आपां नूं कितना पता लगू फलाना बंदा पापी है? सुनो यदा जवाब भी बाणी चो मिलता है। मतलब आपां नूं किवें पता लगू फलाना बंदा पापी हैगा कि नहीं हैगा? यदा जवाब बाबा कबीर जी देंदे ने। कबीर पापी भगत ना भावई। पापी बंदे नूं भगती चंगी नहीं लगती,
पापी बंदे नूं गुरु की बाणी चंगी नहीं लगती, पापी बंदे नूं कीर्तन कथा पाठ सतगुरु चंगा नहीं लगता। उन्हें नहीं चंगा लगता कोई गुरु ग्रंथ साहब की गल करे, उन्हें नहीं चंगा लगता कोई साहबजादियां की गल करे, उन्हें नहीं चंगा लगता कि कोई अकाल पुरख परमात्मा की शिव सलाह की गल, क्योंकि पापी हुण पापी कितने को उहदे को बाहरले रूप वखरे थोड़ा, बस आ डेफिनेशन है उहदी। कबीर पापी भगत न भावे, भावे उन्हें वर्दी धार्मिक क्यों ना पाई होगी, आ डेफिनेशन होगी। कबीर पापी भगत न भावे, हर पूजा ना सुहाए, हरी दी पूजा उन्हों सुहाए का अर्थ है सोहनी नहीं लगती, चंगी नहीं लगती। अच्छा फिर वो करता की है, माखी चंदन पर हर है, हुण चंदन है तो बड़ा चंगा पर मक्खी नूं ना चंगा लगता, मक्खी कित्थे जाके बहिंदी भला। जहां बेगंद तह जाए, जिथे गंदगी हुंदी है ना मक्खी उत्थे जाके बहिंदी है, चंदन छड़ के ना रूड़ियां ते बवेगी, विष्टा ते बवेगी, गोए ते बवेगी, गंदगी ते बवेगी छड़ के। हुण आ डेफिनेशन पापी दी, जे कर कथा होत हर संतन, बाबा कबीर जी एक निमख ना कीनो मैं फेरा, जिथे रब की कथा होंदी उत्थे ते जाण नूं भी चित नहीं करदा, उसने फेरा पाउण भी चित नहीं करदा, भी जे चले गए ते कन्न च कोई गल पै जाऊ। तुसीं नोट कीता कदी घर विच आपां बाणी दा पाठ धराईए, पाठ जदों करवाउने आ ते कईआं ने ते फिर नाल कुर्सियां वी मंगाईआं होंदीआं ने, कई घरों आउंदे वैसे पाठ वाले घर ने, वो बाहर कुर्सी ते बैठे होंदे ने, वो नहीं अंदर आउंदे, वो अपना वखरी महफल ला के बैठे ने, वखरे पंडाल सजा के बैठे ने, खा पी लैना उत्थे उत्थों तुर जाना, अंदर नहीं आना भी कोई अंदर बाणी दा कोई कीर्तन सुन लो, थोड़ी बहुती बाणी दी विचार सुन लो ना, इस बंदे आना ही नहीं। आ कोई पता अंदर सुना होगा तो कुछ ना कुछ कान च पै गया, कान च पै गया कुछ मनना पैना, इहनूं चंगा जदों जिस रस्ते जाना है, नहीं राह पुछण दी की लोड़ है। वो कहिंदे आपां सुधरना ही नहीं, आपां इत्थे आ के की करना। माखी चंदन पर हर है, जह बिगंद तह जाए। अच्छा दूजी कैटागरी वो है जिहड़ी आ जाती है, दूजी कैटागरी वो है जिहड़ी आ जाती है, आण के सिर भी मार देना, जदों आउणी है प्रैक्टिकल जीवन की गल मनना फिर नहीं। कबीर साचा सतगुर क्या करे, सच्चा सतगुर की करे जी, जो सिखा मैं चूक, जे सिखा विच ही कोई उकाई है तो गुरु का की कसूर है, गुरु का तो कोई कसूर नहीं ना। अंधे एक ना ला गई, ज्यों बांस बजाई है फूका, बांस अंदरों खाली होंदा, बंसरी लकड़ का टुकड़ा वही बांस का एक हिस्सा होंदा, कहिंदे जिन्नी देर तक उन्हूं को मूँह ना ला के ना उहदे विच हवा भरे तो संगीत निकलता, किन्नी देर पहला जिन्नी देर तक किसी बंदे दे मूँह नाल लगी है बंसरी उन्नी देर तक तो संगीत है, जदों मूँह नाल परां करो तो लकड़ का टुकड़ा। कहिंदे इदां ही ना कई बंदे जदों गुरु की बाणी का कीर्तन होएगा पाठ होएगा सिर मारी जाएंगे, इंज लगू भी इहनूं हुण सारी समझ आ रही है, हुण नहीं इहने कबर ते जाणा, इहनूं हुण समझ आ रही, इहने हुण बाबे नूं मत्था नहीं टेकना। पर उन्नी कि देर ही सिर वजदा जिन्नी कि देर तक कीर्तन विचार पाठ होंदे, बस जिन्नी देर तक हवा अंदर जा रही है तो बंसरी चो आवाज आती है, मूँह नालों बंसरी परां कर लो तो बंसरी लकड़ का टुकड़ा। कबीर साचा सतगुर क्या कर, हुण गुरु का कसूर थोड़ा, जदों गुरु नानक साहब विचारा करते होणगे श्री चंद भी सिर मारी जाता होना, लैणा भी मारी जाता होना, पर लैणा अंदरों सिर मारदा होना कि बापू नहीं सी पता तो देवी दे जांदा रहा, हुण लग गया पता तो छड़ती, श्री चंद भी सिर मारदा होना, लागे बैठे आंदे होणे इहनूं भी समझ आ रही हो, हुण इहने भी छड़ देणा जोगियां दा खेड़ा जिथे जांदा, उन्हां नूं थोड़ा पता सी भी इहने दे खेड़ा छड़ना ही नहीं, उन्हां दा काम उहो ही करने ने पुठे, एवें थोड़ा लिखिया भाई गुरदास ने। भाई गुरदास ने वास दे चंदन दे कोलों सारे सुगंधी लै जांदे ने, चंदन कोलों सारे सुगंधी लै जांदे ने, सारिआं नूं चंदन सुगंधी नाल भर दिंदा है,
ਪ੍ਰਵਾਸ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਬਾਲ ਜਤੀ, ਬਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਤੀ। ਵੈਸੇ ਜਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਉਹ ਜਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਜਤੀ ਬਣਨਾ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੀਰਜ ਸੁਨਿਆ, ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਜਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਿਆਂ ਦੀ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਤੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਤੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਜਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਓਨੀ ਕੁ ਦੇਰੀ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਸੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਮਸਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀਅਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਪੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਪੜਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੋਹਰੇ ਪੜੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾ ਬਣਾ ਦਿਓਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਆ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕਵਿਤਵਾਰਾਂ ਰੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋ ਪਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਨਾ ਦਿਓਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਿਓਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਿਓਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲਿਆ ਨਾ ਸਮਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ, ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਖਾ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ ਭਲਾ? ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਝੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਬਾਲ ਜਤੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਦਿਓਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਲਖਮੀ ਦਾਸੋਂ ਧਰਮ ਚੰਦ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸੀ ਧਰਮ ਚੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਗ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
लक्ष्मी दासों धर्म चांदा पोता होए के आप गणाया। उन्हें भी अपने आप नूं इह नहीं कहा मैं सिख हाँ, वह भी पोते का ही माण करता रहा। इत्थे भी कई गुरु की कुल का माण करते हैं, असीं गुरु की कुल चा कई बेदी होने का माण करते हैं। गुरु ने नहीं प्रवान किया इन्हां गल्लां नूं, ना 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 बिल्कुल नहीं प्रवान किया। गुरु तो गुरु टणका के सौदा वेचदा प्यारे, गुरु गाहक वधाउण वास्ते समान विच मिलावट नहीं करता। गुरु कहिंदा प्यारिया चंगा लगता तो लै जा, सौदा नहीं चंगा लगता तो ना खड़, सौदा खरा ही रहना है। कई बार डेरेदार बदल लेंगे ने सौदा गाहकों वाल वेख के, गुरु नहीं इदा करता। गुरु कहिंदा सौदा टणका के वेचना, मर्जी आ मर्जी ना, तेरी अपनी मर्जी ना। तो मैं ये वेखना भी मैं कहड़ा MP MLA खिलौना ना, कसवटी टणका के। हुण तुसीं कि सोचदे जदों गुरु नानक साहब, जदों गुरु तेग बहादुर महाराज ने एक सधारण बंदे दे हाथ विचों प्रशादे लैके वरताए होणगे, उत्ते किसे नूं तकलीफ ना होई होएगी। जिन्हां ने सारी सारी रात दुध दीआं खीरां तैयार कीतीआं होणगीआं, प्रशादे तैयार कीते होणगे, जिन्हां ने कई कई पकवान तैयार कीते होणगे, भावें दो नंबर की कमाई चों तैयार कीते होण, हो सकदा गुरु ने उधर वेख्या भी ना होवे। मलक भागो वाली कमाई वाले भी बड़े आए होणगे, पर सधारण हो सकता गुरु ने उन्हां प्रशादे नूं हाथ ला के भी ना वेख्या होवे। सधारण सिख दे हाथ विच उह प्रशादे लै के वरताए होणगे, की समझदे हो कि बाकियां नूं तकलीफ ना होई होएगी। उह ते मच गए होणगे, हद हो गई, एडी वड्डी तुसीं नूं साडी, एडा वड्डा साडा अपमान, ये शुरू तो होंदा आया है। बेईमान बंदा चाहुंदा मैनू सब तो अगे बिठाया जाए, मेरा मान सन्मान होवे, मेरा नाम लिया जाए, मेरे गल च सिरों पाओ पाया जाए, मेरे नाम की सिल आई जाए। वो प्यारिया सिरों ते तेरे नाम दियां लग जाणगियां। पर जे दुनिया ते तू चाहुंदा है कि सदा वास्ते जीव सके, उहदे वास्ते तैनूं कमाई करनी पैणी है। शब्द दी सिल तां उन्नी क देर रहो जिन्नी क देर तक बिल्डिंग की उम्र है, तो बिल्डिंग की उम्र सीमित ही होंदी है। जिहड़े साडे दादियां परदादियां ने मकान तैयार किए, अज सानूं थोड़ा परवाह ने, नान साइटां दे बणे आपां टा टा के नवें बनाई जांदे आ। जिहड़े हुण बणावांगे होर तुसीं कि समझदे 150 साल बाद साडे बच्चों नूं परवाह नहीं होणे। पर याद रखना, जिस इमारत ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपना नाम लिखाया, वह इमारत कोई इटां दी नहीं, वह तां गुणा दी इमारत है। कम्मां करके अपने नाम नूं दुनिया ते ऐसा चमका गए ने, जदों तक दुनिया नहीं रहेगी साहबजादे ते बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गे अनेकां गुरु के सिखां दा नाम सितारिआं दी तरह समाज में चमकदा रहेगा। तकलीफ हुंदी है, प्रॉब्लम आउंदी है उहनां लोकां नूं। याद रखना गल बड़ी कीमती कही इत्थे, इस करके को थां नहीं कि मैं गुरु की कुल विचों हां। लखमी दासों धर्म चांदा पोता होए कै आप गणाया। हुण जिहड़े बंदे उहनां दीआं गद्दियां चलाउंदे ने, उह कदी नहीं पौड़ियां पढ़ के संगत नूं सुणाउणगे। उहनूं पता जे पौड़ी पढ़ी ते साडे दा सवाल उठणा, उह ते कहणगे भाई ना ना ना, भाई गुरदास नूं परां रखो। भाई गुरदास दी जे पौड़ी साडे घर आ गई, कबेतवारां आ गईआं, भाई गुरदास ने बड़ियां कुंडियां खोलियां ने। लखमी दासों धर्म चांदा पोता होए कै आप गणाया। अगे गुरु अंगद साहब के साहबजादे, मंजी दास बहालिया। मंजी मंजी मीनू वह भी गद्दी ला के बह गया, दास दस वह भी आसन ला के बह गया भी गुरु अमरदास को ना जाओ, मैं ही गुरु हाँ, मेरे को आओ, मैनू मत्थे टेको आण के। भाई गुरदास लिखते ने, मंजी दास बहालिया, दाता सदासन सिख आया। दातू भी अपने आप नूं गुरु के मुकाबले समझ के कहिंदा आ जाओ मेरे कोल ही सब कुछ मिल जाना तुहानू, गुरु अमरदास को जाण की जरूरत नहीं है। अगे आ जाओ गुरु अमरदास के साहबजादियां बारे भी पढ़ लो। मोहन कमला हुआ, साढ़े मोहन मोहन को पोथियां लैन लिए अजे भी कदी जाते गुरु अर्जन साहब भी। गुरु अर्जन साहब जो बाणी लिखण लगे ना, पोथियां लैन लिए मोहन को गए। भाई गुरदास नूं कमला कहिंदे ने, कमला तां कहिंदे भी उन्हें गुरु रामदास नूं गुरु स्वीकार नहीं सी कीता, मोहरी ने कर लिया सी। मोहरी पुत सनमुख हुआ, रामदास पैरी पाए जियो। गुरु रामदास दे चरणी आण पिया मोहरी, पर मोहर नहीं सी पिया। मोहर नूं कमला तां लिखिया भी झल्लिया कमलिया, गुरु रामदास दे चरणी तू ही लग जा, क्योंकि गुरु अमरदास ने इस नूं प्रवान किया है। मोहर नूं कमला लिखिया,
ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ 16 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾਹਲੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਲੋਕ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ, ਪੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਪੜੋ ਜੀ, ਅਪੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਉਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਕਿਆ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਰਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮਗਰਲੇ ਦੋ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾ ਜਾਓ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਕੋਲੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ਟ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ, ਜੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋਲ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵੀ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਕਰ ਪੀਰੋ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਮੋਢਾ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਦਿਲ ਖੋਟੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੋਟੇ ਲਿਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ?
पर इदा दियां साखियां साध सुनाउण गुरु अर्जन साहब नूं श्री चंद को भेजण ते उह दुध तोते ते जे को प्रचारक को रागी इस साखी का निर्णय करे वह निंदक हद हो गई। कौन पुछेगा, कौन युक्त करेगा इन्हों पुछण की कि तुम एडी महान शख्सियत को जिन्हें दे जिहदे दरबार में वड्डे वड्डे बादशाह टाइम लेना पैंदा मिलने वास्ते उन्होंने एक आम साधारण जे व्यक्ति दे कोल भेज दो, ये गुरु का बड़ा वड्डा अपमान है, गुरु की बड़ी वड्डी कोल निंदिया है कि एडी महान शख्सियत को एक आम साधारण जे बंदे दे दरवाजे ते लै जा। फिर गल नूं दोहरा दवां, एक एक शब्द मेरे गुरु पातशाह का अपना उच्चारण किया है, मेरे गुरु पातशाह बाणी उच्चारण करन वक्त किसी संसारी बंदे की हैल्प की जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत नहीं है भी कोई बंदा आण के मेरे गुरु की मदद करे, मेरा गुरु अपने आप विच पूरा है। एवें थोड़ा बाणी लिखता गुरपूरा मेरी राख लई, हुण पूरा किहनू कहिंदे ने भला, किहनू कहिंदे ने जी? फिर आपां पूरा कह सकते, इहदा मतलब पूरा सी गुरु जिहदे विच सारे गुण सी, जिहनू किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जिहड़ा किसी कोलों सेवा लिखवाउण दी करवा सकता है पर बाणी भुल जाए, कोई गुरु नूं दसे जी इदां बाणी अगे तुरदी है ना। ये गल्लां नूं समझण दी जरूरत है, आप समझो दूजिआं नूं दसो। मोहन कमड़ा हुआ मोरी चबारा मनाया, मोह नूं कमड़ा लिखिआ ते कई गुरु अर्जन साहिब नूं पोथियां लैण वास्ते भी मोहन कोल भेजदे ने भी जदों गुरु अर्जन साहिब बाणी लिखण लगे चेता आया महाराज नूं भी पोथियां ते है ही नहीं अपने कोल, पोथियां कित्थे जी? मोहन कोल पहिलां बाबा बुढ़ा जी नूं भेजिआ, भाई गुरदास नूं भेजिआ, मोहन ने पोथियां दित्तियां ही ना। फिर महाराज गए मोहन नूं कहा मोहन पोथियां दे दे, मोहन ने चबारे का दरवाजा ही ना खोलिआ। फिर महाराज ने शब्द उच्चारण किया मोहन तेरे उच्चे मंदर, ये भी डेरेदारा ने साखियां गुटकियां लिख दित्तियां, मोहन तेरे उच्चे मंदर महला पारा, दास दा नगर धुंदा है गोइंदवाल साहब तो ठीक 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं जमया पड़िया उत्थे हाँ, तुसी हैरान हो गए। इतने महाराज कहते मोहन तेरा महल एडा वड्डा जिहड़ा उरला बन्ना भी है नहीं ते परला बन्ना भी है नहीं, अपारा दा अर्थ जिहड़ा उरला बन्ना भी है नहीं ते परला बन्ना भी है नहीं, पर उस बारे का उरला बन्ना भी हैगा ते परला बन्ना भी हैगा। और जिहड़ा तुहाडा दीवान हाल है एडी वो जगह है जिथे वो जगह बनी जिथे धन गुरु अर्जन साहब का प्रकाश भी होया सी, जिहड़ा चबारा है उसका ना ही चबारा साहब है, हुण अंदाजा ला के देख लो। फिर कई कहिंदे जी जदों गुरु साहिब ने शब्द उच्चारण किया मोहन तू सा परिवार फड़िया, उहदा ते विआह ही नहीं सी होया, परिवार कित्थों फड़ गया उहदा, उह ते गृहस्थी नहीं सी, किहड़ा परिवार फड़िया उहदा। इत्थे रब की गल हो रही है, रब नूं मोहन कहा जा रहा है, हे रब रूपी मोहन, हे मोहन रब तू परिवार दे नाल फड़िया, आ सारा संसार तेरा ही परिवार है, आ सारे जीव तेरे ही बच्चे ने, रब का महल किहड़ा, आ समुची कायनात समुचा संसार तेरा ही महल है, इहदा उरला बन्ना भी है नहीं ते इहदा परला बन्ना भी है नहीं। इत्थे रब दी मोहन दी गल हो रही है, मोहन कमला होवा मोरी चबारा मनाया, मोरी ने चबारे नूं मना लिया, गुरु रामदास रूपी चबारे दे चरनी आण लगे मोरी जी। मीणा होवा पृथिया, अगे गुरु रामदास दे साहिबजादियां दी गल सुण लो, इत्थे पृथ्वी चंद नूं मीणा कह दिता, मीणा सी ना, मीणा बंदा बड़ा खतरनाक हुंदा वैसे साध संगत, जिहड़ा मीणा बंदा हुंदा ना उत्तों कदी विगाड़दा नहीं किसे ना, ते अंदरों किसे दा सवारदा भी नहीं, बनदा भी नहीं किसे दा। टब्बरां विच वी इदां दी कैटागरी दे बंदे हुंदे ने, कई वारी टब्बरां च एक नौ पुत बड़बोले हुंदे ने, दूजे नौ पुत बड़बोले नहीं हुंदे, जिहड़े बड़बोले हुंदे ने सहुरे नूं ते सस नूं चंगे नहीं लगदे, गुवे बड़बोले ने हर गल मूँह ते कह देनी है, तो जिहड़ी दूजी नौ पुत हुंदे ने उहनां मूँह ते पापा जी मम्मी जी डैडी जी ते सारियां खूफिया रिपोर्टां गुआंढियां दे जानियां, परिवार का बेड़ा गर्क कर देना, पर सस ने कदी नहीं निर्णय करना भी मेरी नौ इहनां विचों चंगी किहड़ी है, मेरा पुत चंगा किहड़ा। समाज में भी इंजी है, जिहड़ा पिंड विच बंदा मूँह ते गल करदा होवे उहनूं लोग माड़ा आंदे, जिहड़ा तुहाडे मूँह ते जी झूरी करदा होवे तुहाडे अवगुणां नूं वी गुण बना के तुहाडी झूठी वडियाई करदे, कहिंदे बंदा उहदे नाल दा कोई नहीं, आपे ही उहदे नाल दा कोई नहीं, भांड वी ते लोकां नूं चंगे लगदे ही आ, भांड वी तां मिंटां 'च ट्रांसपोर्ट बना दिंदे ने, हुंदा बंदा सधारण है, विआहां ते भांड जांदे ने उह पैसे कढाउण वास्ते, पता करदे ने मामे दी ट्रांसपोर्ट है, फुफड़ दे ट्रक चलदे ने, हद हो गई, फुफड़ जेब चो 500 का नोट कढ के भंड नूं फड़ा आंदा, उहनूं भी पता हुण सियाणा हुंदा फुफड़ वी मैं ते बस ते आया मेरे ट्रक कहिड़े चलदे,
पर चेता भुल गया दसा मिनटा चुन भी उसका चलते ही होन होता मैनू ना पता हो भंड पता लग गया हो भंड की कैटागरी वाले बंदे समाज में बड़े आते हैं जेड़े तरीफ कर करके वड्याई कर करके तुहाड़ियां जेबां चो पैसे कढ़ा लेंदे ने तुहाड़ी वड्याई कर जांदे ने। याद रखने की लोड़ है साध संगत गुरु ने मीणिया तो बचण लई आख्या खतरनाक बंदा हुंदा मीणा कन्न मुसल्ला बाबे फरीद ने आख्या फरीदा कन्न मुसल्ला सूफगढ़ दिल काती अंदर कैंची गुड़वात जबान गुड़ वर्गी मिठी जबान गुड़ वर्गी मिठी अंदर कैंची बाहर दिशा चानना दिल अंधेरी रात बाहरों चानन देता अंदर हनेरा ही हनेरा होर कुछ भी नहीं। इस तो बचो भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने मीणा हो पृथिया मीणा ता क्या जितना गुरु अर्जन साहब के घर बालक ने जन्म लिया होएगा वधाई तो देन करमो भी आई होएगी पृथ्वी चंद की पत्नी वधाई देन ते पृथ्वी चंद भी आया होएगा वधाई तो देन सारे आए होणगे पर अंदरों थोड़ा देन आए होणगे वधाई अंदरों तो ताप चढ़ गया होना भी सरीक जम पिया साढ़े समाज में भी इंज हुंदा कितने भरा दे घर पुत्र बड़ी देर बाद होवे वधाई देन ते आ जांदे पर अंदर सलाहां करदे ही सोचे साडा गोद लै लैणगे दो ने साडे इहदा जमीन वंडी की स्यापा पै गया उदा कहणगे रात दा ते मैं ते लड्डू वंडी जाना इन्हां ने भी इत्थों पाणी नहीं लंघिया रात दा ताप चढ़िया पिया रात दा वधाई देन तां चले गए बाण जखा मन वच क्रम ये तीन गल्लां ने मन विच की आ तुहाडे जुबान ते की आ तुहाडे तुहाडे कर्म की ने ये तीन गल्लां ने ये तिन्ने गल्लां किसे विरले बंदे दीआं इक लैण च हुंदीआं ने जुबान करके सारे कहना सब सिखण को हुक्म है गुरु जे मन भी इस चीज़ सहमत हो जाए फिर क्यों जावांगे मड़ियां दे दीवे जगाउण मन नहीं सहमत होता मन कहिंदा जुबान नूं पढ़ी जा मैं तेरी कड़ी मननी है मेरा तो सरना ही नहीं वो तो बिना किसी देहधारी तो बिना मेरा गुजार नहीं मन बच करम एक लैन च होने चाहिए एक एक लैन च होने ता गल बनूगी ता गुजारा होना मीणा हो आ पृथिया कर कर टेढ़ कबरल चलाया टेढ़िया चाल चलता सी चौबी घंटे उत्तों कुछ होर अंदरों कुछ होर बाहरों कुछ होर महादेव अहंकार कर गुरु रामदास का दूजा साहबजादा महादेव कर बेमुख कुत्ता पौंकाया वह भी बेमुख होके जीवन गुजार गया। भाई गुरदास अखीर च कहने चंदन वास ना वास बहाया चंदन की सुगंधी वास ना लै सके अज इन्ह का ना लिया आप उत्ते इन्हों भाई गुरदास ने वास किया कबीर चंदन का बिरवा फला बेड़ो ठाक पलास ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया यो मत डूबो कोए चंदन के निकट बसे बांस सुगंध न होए चंदन दे कोल रह के भी बांस सुगंध ही नहीं लै सकता खाली रहा अंदरों इत्थे वासां दे ते दिन मनाए जांदे ने जेडे वास रह गए उन्होंने तो वे वे कट होंगे ने जेडे गुरु चंदन के कोलों सुगंधी लै गए कोई विरला नगरी है तुहाडे वांगू जिहड़ा उनका दिन मना ने तो बहुत आ पिंडां विच उन्हां दे नां दी अरदास भी कोई नहीं करता मार लो त्या जेडे गुरु तो पासा हट गए तो चलाकियां बड़िया तगड़िया ने उन्हां दीआं उह कहिंदे ने जेडे गुरु तो बेमुख होए दिन मनाओ ताकि पीढ़ी को मौका लगे गुरु तो बेमुख होने का भी वह भी तो बेमुख होए सी जे साहबजादे दिन मनाओगे तो साढ़े बच्चों ने फिर ये साखियां सुन के केसा वाले बने जाने ही नहीं भी केस कटाइए ये दिन ज्यादा मनाए जाएंगे तो साढ़े बच्चे नशे पीने ही नहीं साढ़े बच्चों का दृढ़ता बाबे फतेह सिंह वर्गी आ जानी है वह भी ता ही मनाते ज्यादा दिन उन्होंने भी मनावे तो बच्चा आऊगा कोई साखी सुनाऊगा तो पता लग जाना भी कभी वह भी तो बेमुख होए से जी असी बेमुख होए तो यह कड़ी वड्डी गल फिर कड़ी गल तरीका बड़ी बड़े चाल दे नाल मार रहे ने अगले सानू असी उन्हां दी चालां समझ नहीं खैर आओ अपने अंदर इस पाप बिरती नूं खत्म करके परमात्मा नूं सेहरा देईए परमात्मा साडी माड़ी सोच नूं बदल देवे माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी
असी पाप करने वाले हाँ। तुम पाप खंडना नीको ठाकुर देसा, तुहाडा बड़ा देश सोहना जिसे तुसी वसदे हो, नीको बहुत सोहना देश है तुहाडा जिसे तुसी टिकाणा करदे हो मालक नूं। हम मैले असी मैल ना भरे हाँ, तो मैल कहदी अहसास मेरे भला बंदे दे जीवन च। हुण आपां घरों तुरदे हां सवेरे कपड़े पा के, बाहर मिट्टी उड़दी है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, घर गंदा हो जाता है, गड्डी गंदी हो जाती है, ये तो बाहर मिट्टी है, बंदे दे अंदर मैल कहदी है भला, बंदे दे अंदर मैल किदां जाती है भला। इहदा जवाब भी सतगुर ने बाणी विच दित्ता है। साहिब जी कहिंदे ने अवगुण छोड़ गुणा को थावो, करे अवगुण पछताही जियो, सारे अपसर की सार न जाने, फिर कीच बुढ़ाही जियो, अंतर मैल लोभ बहुत झूठे। अंदर मैल कह दी है लोभ दी ते झूठ दी, ये दिसदी नहीं, पैर तो धो के बंदा बाहरों आजू, लोभ दी मैल तो नाल ही आउंदी है, बाहरों पैर धो के तो बंदा आजू, बाहरली मैल तो जिहड़ी ताना मैल लगी है तो साफ करके आजू, पर लालच की मैल तो नाल ही आउंदी, अंदर ही काम की मैल अंदर आउंदी है, क्रोध की नाल ही आउंदी, वो तो सुरत विच है ना, अंतर मैल लोभ बहुत झूठे। बाहर नहावो काहीं जियो, क्यों बाहर नहाउंदा फिरदा बई जे अंदर की मैल उदे टिकी हुई है ते। बाहर नहावो काहीं जियो, महाराज फिर कितों दूर होनी है मैल। कहिंदे निर्मल नाम जपो सतगुरु मुख, निर्मल नाम, वो निर्मल नाम परमात्मा का, सत गुरमुख, गुरमुख के खखे नूं सिहारीए, गुरु दे राही इस नाम नूं जपो, उहदी गल मन्नो, अंतर की गत ताही जियो, अंदर की गत भी ताही होनी है, अंदर की मैल भी गुरु ने कढ़नी। गुरु सरोवर च इशनान करो, गुर समान तीर्थ नहीं कोई, गुरु वर्गा कोई तीर्थ स्थान नहीं जिहड़ा साढ़े अंदर की मैल दूर कर सके। हम मैले तुम उजड़ करते, असी मैल ना भरे, तुसी सानू उजड़ा करने वाले दाता जी। हम निर्गुणा, साढ़े विच कोई गुण नहीं, तुम दाता, अच्छा रब कहदा दाता है भला, गुणा का दाता है, साढ़े विच गुण कोई नहीं, जो अपने गुण साढ़े च भरदा ना फिर लोग सत्कार करते हैं। पेन तो उही हुंदा जे स्याही हो जाए ना, लिखण लग पैंदा पेन, जे स्याही ना होवे कौन पुछदा पेन नूं, गां मझ दुध ना दिंदी होवे कौन पुछदा उहनूं, दुध दिंदी होवे ते गवा जाए लब के लियाउणी पैंदी है, दुध ना दिंदी होवे ते कई अक्या किसान आप ही रस्सा लादा वी जा भरा हो, वाधू पट्ठे खाई जाने, दुध ते गां दिंदी नहीं, आप ही रस्से लादा गल चों। बंदा सत्कार करदा गुण दा, कमाऊ पुत कमाऊ पुत, घर चों चला जाए तो लभी दा, गुणा की गल है, सारी खेड ही गुणा की है, घर चों कमाऊ बंदा चढ़ाई कर जाए सारे टब्बर नूं झटका लगता है, तो सारे टब्बर च बोझ बनने वाला नशे करने वाला चढ़ाई कर दिया, एक बार माड़ा जिहा दुख तो हुंदा, पर इन्ना नहीं हुंदा, उहनूं पता हुंदा इहनूं खवाया ही है सारी जिंदगी, इहने कोई फर्ज ते अपना निभाया कोई नहीं। माँ दे चार पुत हो ना कमाई करदे हुण, तीन विचों ते माँ भावें चौं नूं बराबर ही प्यार करती है, पर उहनां तिन्नां विचों जदों एक नूं किसे नूं सेक लगदा है ना, माँ मरण वाली हो जाती है। पर जिहड़ी माँ के सामने नशे कर करके उन्हें माँ को भी कुटिया हो, माँ को भी चीज़ा खड़ करके नशा पूरा किया हो, जो वो चढ़ाई करता है ना, माँ लोगों सामने तो बेचारी अथरू केर लेंदी, पर अंदरों कहती तुहानू की पता इन्हें पोत धोण वाला फर्ज कभी पूरा किया ही नहीं, इन्हें कभी इन अंदरों ठंड दिती नहीं कि मैं माण कर सकती कि मेरा पुत है, ये मेरा बच्चा है, पुत तो मेरे बाकी भी तीन सन, ये है ख्याल, बस गल गुणा की है। गुरु परमात्मा गुणा का दाता है, परमात्मा को गुण मंगो ताकि साड़ी जिंदगी विचों मैल निकल के असी गुणा वाला जीवन जी सकी। हम मैले तुम उजड़ करते, हम निर्गुणा तू दाता हम मूर्ख, ये बड़ी बड़ी गल है, बंदा यह स्वीकार कर ले कि मैं मूर्ख हाँ, ये बड़ी बड़ी गल है, बंदा स्वीकार कर ले कि मैं मूर्ख हाँ, दाता तुसी सियाने हो। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तुहाडे वर्गा सियाना कोई नहीं, तुसी बड़े सूझवान ते दाने सियाने हो।
हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्ब कला ज्ञाता, तू सारिया तेन सारे हुनर आते ने सानू सोहना बनाने। कला का अर्थ होता है हुनर, तेरे को सारे हुनर है सानू ठीक करन दे। इसे नूं आख्या सी जगत जलांदा रख लै अपनी कृपा धार, जित दुआरा उपरे तिते लिहो उबार। जगत नूं अग लगी हुई है दाता, जिहड़ी भी कला तुहानूं तुहाडे को फिट बहिंदी है, जिहड़ा भी हुनर तुहाडा फिट बहिंदा, जिहड़ा भी हुनर जिस बंदे ते फिट बहिंदा उही उत्ते टुका के उहनूं बचा लो, अग चों बाहर कढ लो। तृष्णा की अग विच समाज सड़दा पिया है। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्ब कला का ज्ञाता, तू सारे कला तेनूं सारे हुनर आउंदे हन। तुम सब साजे, शब्द का दूसरा बंद, तुम सब साजे, तुस सारिआं नूं साजिआ है। साज नवाजे, सारे नूं पैदा करके नवाजिआ है। तुम सब साजे साज नवाजे, जियो जिंद दित्ती है, पिंड शरीर दिता है, दे प्राणा ये प्राण दे के हलचल आई है जीवन दे विच। सारे टब्बर का भार चुकी फिरदा है बंदा, दाता तुहाडी बख्शिश है, तुहाडी रहमत है। जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, असी निर्गुण आरे हाँ गुण नहीं हैगा कोई। तुम दान दियो मेहरबाना, मैनू गुणा का दान दियो दाता, मैं भी सोहना बन सका। मेरे विच कोई ऐसा गुण नहीं कि जिते मां माण कर सके, बाप माण कर सके, बच्चे माण कर सकन, पिंड माण कर सके। मेरे विच गुण पैदा करो, गुण मंगया करी आन के इत्थे। अहीं की मंगी जाने हैं, संसार दे पदार्थ ही मंगी जाने हैं, पोतरा मंगी जाने हैं, दोता मंगी जाने हैं, पदार्थ मंगी जाने हैं, जमीन मंगी जाने हैं। जी अगर मालक सवाल कर दे भी पहला मां पुत मंगना आई सी वह भी देता, हूँ पोतरा मंगना भी वह भी दे देवगा, पुत नूं किन्नी क सिख्या दित्ती हो मेरे बारे, पुत नूं किन्ना क गुरु बारे दसे, किन्नियां मावां जवाब दे पाउणगियां। असीं नाशवंत पदार्थ ही मंगी जाने हाँ, गुरु कोलों गुण मंगो, दाता जी गुण दे दिओ। निर्गुण आ रहे गुण नहीं कोई, तुम दान दिओ मेहरबाना। शब्द का तीसरा बंद, तुम करो भला हम भलो न जाने, तुसी तां सदा ही भला कर दिओ पर अहीं एडे अकिरत काणा तुहाडे भले नूं नहीं जाणदे। कहिंदे ना रब धीआं दे के वी ना भला करना चाहुंदा है, पर असीं एडे ना शुकर आं फिर भी लड़वी लगी होंदी है, नहीं पुत्र चाहीदा पुत्र चाहीदा, फिर भी अरदासां कराओ, फलाने बाबे को जाओ, फलाने थां तो लाचियां मिलदियां, फलाने थां तो लौंग मिलदे, फलाने थां तो बाबा इंज अरदास करदा। एक गल दा क्लीयर समझ लैणा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है बाद इंटरनेट पर चढ़ जानी, किसी डेरे नूं रब ने एजेंसी नहीं दित्ती होई कि इत्थों ही केवल पुत्रां दी अरदासां होणियां ने, ना इस कूड़ प्रचार है। जे ये गल है तो धियां दियां अरदासां फिर कित्थे होणगियां जी, जिन्हां घर विच धी, मान लो जे किसी घर दो पुत्र होण ते जे किसी ने धी दी अरदास भी कराई भी सानूं धी दी भी लोड़ हैगी, पुत्र ते की हो जाए मुड़ के बंदा लोड़ ही नहीं महसूस करता भी हुण मैनूं कोई चाहीदा ही नहीं। पर धियां तीन भी हो जाण ते तां वी बंदे नूं धियां दे लागे कही जाणगे, तीन धियां दे कोल कहणगे वेख लो अरदास करा के जड़ लग ही जावे शायद। वो धियां तिन्ने सोचदियां ने भी असी जड़ लगे, साडे कारण माँ बाप की जड़ ही नहीं लगी। धियां तो मत्था चुमदियां ने प्यो दियां, वो प्यार करदियां ने, कई बार धियां रब दिंदा उहदे विच सुख मिलना, सानूं रलवी लगी हुंदी पुत दी, पुत्र ने फिर ना इन्ना तंग किया हुंदा फिर चेता बाद विच आउंदा पिछली उम्र आण के इहदे नालों धी हुंदी ते ठीक सी। और अद्धी अद्धी रात ग्यारह बजे तक मां रोटी बना के डिगदियां रहिंदियां कई, तो पुत पुत कन्नां च टूटियां ला के सड़कां ते घूम रहा बार, धी सामने बैठी कहती कहती मां दस मैनू, साढ़े सामने कही जाती सी जड़ नहीं लगी जड़ नहीं लगी, आ ला आ वेख लो जड़ लगी तुहाडी, बापू नूं हार्ट अटैक इहने कराया, असीं तां रोटी बना के दिंदे हां सेवा करदे हां, इधर वेख लो विरले माँ बाप ने जिन्हां दे बच्चे जिन्हां दे माण कीता जा सके, विरले बच्चे ने जिन्हां दे माँ बाप माण कर सकन, पर फिर भी साडा समाज पुत्रां दी अरदासां कराउण लई भज्जा फिरदा। तुम करो भला
हम भलो ना जाने। तुसीं तां हमेशा भला करदे हो पर असीं कदी भला जाने नहीं तुहाडा। तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला। रब जी तुसीं ते सदा ही दयाल हुंदे हो। आ शब्द ना उदों चेता करिया करिए जदों समाज विच कोई घटना वरती है ना, किसी का कोई जवान पुत चढ़ाई कर जाए, तो बाणी पढ़ने वाले भी जाके पता की कहणगे, रब ने कह दी कमाता बई हद हो गई, कादा पाठ करदे हो बई तुसीं। एक बंदे कहिंदे हो रब ते कदी कहरवान हुंदा नहीं, रब ते दयालू है, वह कृपालू। इहदा अर्थ सारा संसार छड्ड के ऐसे टब्बर नाल घटना वरत गई, रब कहरवान हो गया, फिर रब दयालू कृपालू कित्थे होया। इत्थे दी बाणी कहिंदी है तुम सदा सदा दयाला, तुसीं ते सदा ही दयाल रहिंदे हो। इह गुण है तुहाडा रब जी। तुम करो गलती अपनी थोड़ा मननी भी शराब पी के एक्सीडेंट होया, गलती अपने नहीं मननी, फिर रब दे कसूर। वेखो लोगों के पुत भी जाते सी, इन्हों के कैर कमाना सी, हुण ही गलती मान लीए, गलती मन के गलती सुधार लीए, पर ना इस बन्ने तुरन तैयार नहीं। तुम करो भला हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते। तुसी सुखां दे दाते हो, पुरख व्यापक हो, विधाते सृजनहार हो। तुम राखो अपने बाला, असी तुहाडे बच्चियां सानू रख लो, कह तो रख लो, विषयां विकारां तो बचा लो, अखीर लावां। तुम निधान, निधान कहिंदे ने खजाने नू, रब जी तुसी गुणां दे खजाने हो। अटल सुल्तान, दुनिया अंदर बादशाह ते बहुत हुंदे ने, पर डर यह होंगे भी कितने कोई तगड़ा बादशाह आ के मेरे को तख्ती ना खोल के ले जाए। उन्हों का सिंघासन तख्त सदा रहने वाला नहीं होंगे, पर रब जी तुसी एक वाहद बादशाह हो, सुल्तान हो, जेडे सदा ही अटल हो। तुहाडे कोलों कोई तख्त खोण वाला पैदा होया ही नहीं, तुसी अपने तख्त के खुद आप मालिक हो। बस तुसी अपने सिंघासन के खुद आप मालिक हो। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे। जीव जंतु सारे तेरे को मंगते हैं रब जी, सब तुहाडे अगे अरदासां करदे। हुण मारो ध्यान, जदों सिख अंदर भरोसा बच गया भी जिहनू तुसी मानदे हो ना, उहनू तां सिर्फ एक इलाके दे लोग जानदे ने, पर जिहदे नाल मेरी सांझ है समुची कायनात उहनू जानदी है, समुची कायनात नाल उहदी सांझ है। वह जल थल महियल पूरिया रवियां विच बना, जिदने भरोसा बढ़ गया सिख नू, उदों खेतां विच भी महसूस करेगा, मंडी विच भी महसूस करेगा, प्रशादा तैयार करदियां भी मेरी भैण महसूस करेगी परमात्मा साढ़े कोल है, उस रब नाल साडी सांझ है। तुम निधान, कदी इह भरोसा बढ़िया सी उहनां सिखां नू जिहड़े जंगलां विच रह के भी वड्डियां वड्डियां सरकारां दी परवाह नहीं सी करदे, खनी खनी रोटी खा के, जिन्हां ने सुके चने चब के भी उन्हां विचों बदामां दा रस प्राप्त किया, जिन्हां ने सुके दरख्तां दे पत्ते भरू के खा के भी हार ना मनी, सिर्फ इस करके उन्होंने महसूस कर लिया असी साड़ी सांझ उस ना पई है जिहदा राज पा किसी सीमा दे विच नहीं, वह मालिक सर्व व्यापक है जिहदे असी बचे हाँ। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे। सारे जीव जंतु तेरे को मंगते ने, कहो नानक हम यह हवाला। हे नानक आख, साढ़े जीवन की तो आ उपरली हालत है जी दसी गई है, असी मैलना परे हाँ, पापी हाँ, औगणारे हाँ। कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन कै पाचे। मैनू अपने संत गुरु के पिछे रख के, मैनू इन्हों बुरिया कामों तो बचा के चंगे जीवन की शैली दियो। ये शब्द राग सोर संदर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 613 उपर सुभाए मान सी, जिसकी आप विचार सांझी की है। एक बार सारी संगत रल के इन्हां तुकां नूं फिर पढ़ लीए तां कि सानूं शब्द की समझ पै सके, असी कुछ ना कुछ गल अपने नाल ले जा सकी। सारी संगत पढ़ो जी। हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा।
ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा। खंडना हम पापी तुम पाप खंडना, नीको ठाकुर दे समादो, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा समादो, हम ऐसे तू ऐसा। शुकराना है अकाल पुरख परमात्मा का जिन्होंने साढ़े सारिया अपार बख्शिश की है, आप समूह नगर निवासियों उद्दम बख्शिश किया है। तो ये तीन रोजा गुरमुख समागम उन्होंने महान गुरु के सिखा साहबजाद माता गुजर कौर जी की याद में समर्पित दीवान रखे ने। पहले दिन दे दीवान की हाजिरी आप समूह संगत ने भरी है, बाकी दो दीवान होर अजे बाकी ने, आओ उन्हां दीवाना विच बाणी दीआं विचारां आपां फिर कल नूं करांगे। इन्हें एक बचन प्रवान करने फिर अखीर विच बेनती है, कल नाल किताबां दा स्टाल लिआंदा जाएगा। आप जी ने यतन करना है कि वह चंगियां विद्वानां दीआं किताबां अपने घरां विच रखीए, पढ़न दा शौक पैदा करिए। जिहड़े अजे आप सहज पाठ नहीं करदे वह आप सहज पाठ करिए, बाणी पढ़न की आदत आपां आप पाईए तां कि सानूं बाणी दी समझ पै सके। इन्हें एक बचन प्रवान करने जी, अदर सत्कार ना फतेह बुलाओ, गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।